गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही बने रहना। स्टे होम एंड स्टे सेफ। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। एक बर्निंग इशू है, एक ज्वलंत मुद्दा है। पेन पारस हॉस्पिटल पटना। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स भगवान के रूप होते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और इस ऐसे एडवर्स कंडीशन में हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ हो या फिर नर्स हो, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे देश की, पूरे समाज की, पूरे ह्यूमैनिटी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो खबर है रुलाने वाली है, दिल दहलाने वाली है, पारस हॉस्पिटल पटना से। और इसी को लेकर पूरे यूथ में, पूरे बिहार की यूथ में, पूरे इंडिया की यूथ मांग कर रहे हैं कि पारस हॉस्पिटल पटना को बैन किया जाए, उसमें ताला लटका जाए गवर्नमेंट के द्वारा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन पैसों के बलबूते और अपने पहुंच के बलबूते, और ऐसा कहें कि उन नेताओं से उनका संबंध है या फिर नेताओं का पैसा उन पर शेयर होता है, नेताओं के ही हॉस्पिटल होते हैं, पारस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। और सिर्फ अभी की बात नहीं है, इससे पहले भी पारस हॉस्पिटल पटना में मरे हुए बॉडी को रख कर के आईसीयू में पैसे लेने की बातें आती रहती है। पैसा अगर 10-20 हज़ार भी ड्यूज होता है तो लाश नहीं देते हैं। और अब ये कंडीशंस आ रही है कोरोना काल में, इस 2021 में लगातार दो बार रेफ केस की घटनाएं वहाँ हो चुकी है, जो कि एक बार कोरोना पेशेंट के अटेंडेंट के साथ हुई है और अब खुद कोरोना पेशेंट के साथ ही आईसीयू में रेप की घटना की गई है, वो भी डॉक्टर्स के द्वारा, स्टाफ के द्वारा। तो ऐसी घटना काफ़ी निंदनीय है और समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, युवा माफ़ नहीं करेगा। अगर गवर्नमेंट नहीं कार्रवाई करती है तो कानून हाथ में लेने की बारी आ जाएगी लोगों की। विधि सम्मत कार्रवाई नहीं होती है तो विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन होगा माननीय नीतीश कुमार, माननीय अमित शाह गृह मंत्री, माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी से और जितने भी अधिकारी हैं उनसे, जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए और डॉक्टर्स की जो गरिमा है उसको बचाया जाए, जो फेथ है पीपल्स के बीच डॉक्टर्स को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। नहीं तो ऐसे में कोई भी कैसे जा पाएगा हॉस्पिटल और फिर घर में ही रहेगा। आशा करते हैं इस आवाज़ को आप शेयर करिएगा अधिक से अधिक और उचित अधिकारी तक ये आवाज़ पहुँचे, सरकार तक पहुँचे। हालांकि कई लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं और कार्रवाई होगी, ये विश्वास है मुझे, क्योंकि ये मुद्दा जनता ने अपने सर आँखों पर उठा लिया है। तो ऐसे ही लगातार बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बस सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।